आप अपनी लाइफ में जो नहीं चाहते हो उसको तुरंत चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। आज मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही वो दिन है, यही वो पल है जब आपको अपनी रियलिटी अगर पसंद नहीं है तो आज ही ये 3 स्टेप्स लीजिए और उसको बदल दीजिए। ये मैंने खुद किया है और ये सच में ये काम करता है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अपनी लाइफ को एक बार समराइज करके देखिए कि आप कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं चाहते हो, कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में परेशानी का कारण बनती हैं, कैसे रिलेशन आपके खराब हो रहे हैं या आप क्या ऐसा करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सब चीज़ें हम ही अट्रैक्ट करते हैं, चाहे रिलेशन हो, चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो या फिर कुछ और इमोशंस हो, वो सब हम ही अट्रैक्ट करते हैं। और जब हम ये जिम्मेदारी ले लेते हैं और इसको समझ जाते हैं तो फिर हमको चेंज करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में ये चीज है, हमारी सोच हमारे जीवन को बदल सकती है। तो सबसे पहले अगर आपको अपनी बॉडी, देखो हमको खुद पे काम करना है पहले, बाहर पे काम नहीं करना। जब आप खुद पे काम करोगे तो बाहर की दुनिया अपने आप चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम जो अंदर होते हैं ना वही हमारा आउटर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट करता है। ये पूरी जो जीवन है ना, ये पूरा वर्ल्ड है, ये भी एक ड्रीम की तरह ही है। तो आप जब खुद चेंज होगे तो आपका जो आउटर वर्ल्ड है वो भी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले बॉडी, अगर आपको परफेक्ट बॉडी वेट चाहिए तो आपको कितना बॉडी वेट चाहिए उतना एग्जैक्ट पता होना चाहिए, उसको लिखिए। और अगर आपको आपकी पहले बॉडी वैसी थी तो आप उसकी पिक्चर लगाइए, और अगर नहीं है, आप अलग तरह की बॉडी चाहते हो तो उस तरह की सिमिलर बॉडी जिसकी भी मैच करती हो आप उसको लीजिए, उसकी पिक्चर निकालिए, अपने जहाँ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो वहां लगाइए, दीवार पे लगाइए, विजन बोर्ड पे लगाइए, कहीं भी लगाइए, बट आपको उसको कॉन्स्टेंटली देखना है। मीन्स मैक्सिमम टाइम दिन में आप उसको देखना है, या जब आप ऑफिस पे जा रहे हो तो भी आप उसको अपने मोबाइल पे कैरी कर सकते हो। अफर्मेशंस कीजिए कि आई हैव दैट परफेक्ट बॉडी वेट, और जो भी आपका रेशो आपने निकाला है वो उसको याद कीजिए। और एफर्मेशंस भी करना है, विजुअलाइजेशन भी करना है, और आज से ही आपकी बॉडी देखो अपने आप काम करती है। आप जो भी अपना जो दिमाग है जो सिग्नल देता है बॉडी को, बॉडी वही करती है। अगर आप बार बार अपने आपको मिरर में देखोगे और बोलोगे नहीं मैं सही वेट नहीं है मेरा, या मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं दिख रहे हैं, मेरी स्किन का कलर अच्छा नहीं है, मैं ऐसी दिखती हूँ, तो वही अट्रैक्ट होगा। आज से ही आप खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन देखिए, आप जैसे हो प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना हो। अपने आप को देखिए, आई एम प्राउड ऑफ माई स्किन कलर, आई एम प्राउड ऑफ माई हाइट, आई एम प्राउड ऑफ माई वेट, सब कुछ आपको पॉजिटिव बोलना है। आई एम सो गॉर्जियस, आई एम सो ब्यूटिफुल, आई एम, जो आपको समझ में आ रहा है वो बोलिए, पर अच्छा बोलिए अपने लिए। आप देखिए आपका ब्रेन, आपको कुछ साल बाद, हो सकता है महीने लगे आपको, कुछ वीक्स में भी आपको वैसे ही आप दिखने लगोगे। ये सच है, बेसिकली आपके चीजें चेंज नहीं होंगी, जो DNA में है, हेरिडिटरी है, वो चेंज नहीं होगी, बट जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है आपका वो पूरा धीरे धीरे वैसा ही बन जाएगा, क्योंकि पूरे 1 ईयर में हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो कम्प्लीटली नए बन चुके रहते हैं, डेली हमारी नई सेल्स बन रही होती हैं, तो ये काम भी आपका होगा। दूसरी बात, अगर आप अपने मटेरियलिस्टिक चीजें जो नहीं चाहते हो और जो चाहते हो उसकी लिस्ट बनाइए, और जो चाहते हो आप वो लिख लीजिए, आप 100,000 जितनी चाहिए वो लिख लीजिए, वो लिस्ट आप चाहो तो उसमें से आप जो प्रायर सबसे पहले चाहते हो उसकी आप 2 या 3 इमेज निकालिए। जैसे घर चाहिए, कार चाहिए, या बैंक बैलेंस चाहिए, ज़्यादातर सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ें लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और रिलेशनशिप, तो इन सब की पिक्चर्स लगाइए, अपने विजन बोर्ड पे लगा दीजिए, दीवार के सामने लगा दीजिए, आपकी नोटबुक में लगा दीजिए, मोबाइल में लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, बट आप ये काम करिए, आपकी लाइफ देखना उसी दिन से बदलनी शुरू हो जाएगी। और जिस दिन आपने अपनी चाही हुई चीजें लगा दी, उस दिन आपके दिमाग को, यूनिवर्स को, सुप्रीम पावर को, सबकॉन्शियस माइंड को ये इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, यस आई हैव ऑल दीज थिंग्स, तो बस फिर वही आपके जीवन की रियलिटी बन जाती है। और लास्ट है आपका एनवायरमेंट, इसको भी आपको चेंज करना है। आप अगर बहुत सक्सेसफुल पर्सन हो तो आपका ऑफिस कैसा होना चाहिए, इसके लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि महंगी चेयर्स लेके आइए या
महंगे जो इक्विपमेंट है वो होने चाहिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ नीट एंड क्लीन टेबल होनी चाहिए। आप चाहो तो फ्लावर्स अपने उस पर रख सकते हो, कुछ अच्छा सा ग्रीनरी, छोटे छोटे जो फ्लावर पॉट आते हैं वो रख सकते हो। प्लीज कहीं ना कहीं एक चीज आपको तो ऐसी करनी है कि वो आपको फीलिंग ऑफ गुडनेस दे, फीलिंग ऑफ न्यू रियलिटी दे। और हमेशा अपनी डेस्क वर्क प्लेस साफ होना रख चाहिए। दूसरा, आप घर को भी आप क्लीन कीजिए, क्योंकि जो हमारा दिमाग भी तभी क्लीन होता है जब हमारा घर क्लीन होता है। ये सच में आपस में बहुत इंटरलिंक्ड है। तो आपको जो आपकी वार्डरोब को क्लीन कीजिए, आपको जो कपड़े नहीं पसंद है या जो कपड़े पहनने पे आपको पुअरनेस की फीलिंग आती है, वो सब कपड़े आप अलग कर दीजिए, किसी और के काम आएंगे। आपके पास जितने हैं पर वो जो अच्छे हैं आप उसमें ही अपना काम चलाइए, और देखिए कैसे जैसे ही आप नए कपड़ों के लिए जगह बनाओगे, नए कपड़े अपने आप ही आ जाएंगे। तो आप सबसे पहले तो अपने जो पुरानी चीजें हैं उसको निकालिए। नेगेटिव एनर्जी रहती है घर में जो ब्लॉक करके रखती, पुराने टूटे फूटे जितनी चीजें हैं सबको बाहर कीजिए, घर को क्लीन कीजिए, बुक सेल्फ को क्लीन कीजिए, अपनी वार्डरोब, ज्वेलरी बॉक्स, जो भी चीज आप यूज करते हो, रखते हो डेली, उन सब चीजों को क्लीन कीजिए। आपकी लाइफ सच में बदल जाएगी। इस तरह से आप अपना एनवायरमेंट, वर्क प्लेस का, होम का, आपकी खुद की पर्सनल चीजों का, चाहे कपड़े हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे आपके कोई प्रोजेक्ट के काम हो, वो सब कुछ जब बदलेंगे, जब फिजिकल अपीयरेंस बदलता है तो उससे भी अच्छी फीलिंग आती है। और इस तरह से आप अपनी रियलिटी बिल्कुल बदल सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू चेंज योर रियलिटी। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू, मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आज से ही आप, अगर जो चीजें आप की लाइफ में है और आप वो नहीं चाहते हो, उसको क्लीन कर दीजिए, अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। देखो, अपोजिट करोगे तो कभी आपको मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, कभी आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। मीन्स आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं बहुत सक्सेसफुल पर्सन हूं, मैं बहुत रिच हूं, और आप कर जस्ट उसके अपोजिट रहे हो। जैसे मान लो आप हर जगह सिर्फ लैक देख रहे हो, हर जगह आपको पूरी डेस्क आपकी बिखरी पड़ी है, बहुत सारी फाइलें पड़ी, बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं, तो ये सक्सेसफुल पर्सन की निशानी है क्या? तो ऐसी अपोजिट लाइफ नहीं जीना है कि आप चाहते ये हो और कर ये रहे हो, तो ये कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा। मैं मानती हूँ कई बार पूरी चीजें वैसी की वैसी नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम शुरुआत तो कर सकते हैं। तो मैं आज यही चाहूंगी कि आप शुरुआत कीजिए और आपकी लाइफ में सब चीजें आएंगी जो आप चाहते हो। I hope this video will help you, and we will meet in our next video. Till then.